एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हम कुछ भी बोलते हैं वो अनसुना नहीं जाता, हम कुछ करते हैं तो वो अनदेखा नहीं जाता. हर चीज़ दिखाई और सुनाई देती है, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो उस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी. तो किस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए हमें पहला कदम उठाना ज़रूरी है. जैसे हम ऐसे समझते हैं, हम कहीं बैठे हैं, मान लेते हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, हम किसी पर्सन से किसी व्यक्ति से बात करने गए, उस व्यक्ति ने हमें रिजेक्ट कर दिया. अब क्या हुआ, व्यक्ति से बात करने से पहले हमने अपने दिमाग में कुछ थॉट्स सोचे, विचार सोचे कि मैं उससे ऐसे बात करूँगा, वो इस तरह से मुझे रिप्लाई देगा, मैं ये बोलूँगा. हमने बहुत सारी चीज़ें सोची और उसके बाद हमने जाके बात करी. तो जब हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई कि मैं उससे जाके बात करूँगा, उसके बाद ही इधर से रिप्लाई आया, उसके बाद ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाई. भले ही उसने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए. आप फेल हुए बट आप आगे जाके फेल हो गए, आपने उस चीज़ से कुछ सीखा, एक पॉजिटिव वे में आप फेल हुए. अब आप नेक्स्ट टाइम दूसरे व्यक्ति से बात करने जाएंगे तो आपको पता है कि पिछले वाले में क्या हुआ था, आपने किस तरह से बात करी थी और किस तरह से आप रिजेक्ट हुए. अब आप नेक्स्ट के पास बात करने जा रहे हैं, हो सकता है उसको आपकी बातें अच्छी लगें, वो कहे आपसे बातें करें, आपकी बातें सुने, या हो सकता है नेक्स्ट वाला भी आपको रिजेक्ट कर दें. आप यहाँ फेल हुए, लेकिन आप फिर से पॉजिटिव वे में फेल हुए, आपने कोशिश की, चीज़ों को की पॉसिबिलिटी बनाई कि हाँ अगर मैं ट्राई करूँगा तो हो सकता है तीसरी या चौथी बार में मैं सही से बात करूँ. तीसरी बार आप बात करने गए किसी और व्यक्ति से, उसको आपकी बातें अच्छी लगी, आपको जो पुराना आपका एक्सपीरियंस था, जो आपने कदम उठाया, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाया उस काम को करने के लिए, उसको अच्छी लगी आपकी बातें तीसरी व्यक्ति को, तो आपको इस वक्त रियलाइज़ होगा कि बहुत अच्छा किया आपने जो आपने पिछले दो अटेम्प्ट किए. क्योंकि अगर आपने वो दो अटेम्प्ट ना किए होते तो आपको आपकी गलतियां ही नहीं पता होती, आपको ये पता ही नहीं लगता कि आप जाके इस चीज़ को आगे जाके पॉसिबल कर पाओगे कि व्यक्ति आपको अच्छा रिप्लाई देगा, आपको एक्सेप्ट करेगा एज यू आर. तो अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, तो हम आगे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे. अगर हम इस डर से कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम फेल होंगे, वो जो फेलियर का डर है, तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको कदम उठाना है, एक एक्शन लेना है, काम करना है, काम तो वो काम देखा जाएगा, यूनिवर्स देखेगा, लोग देखेंगे, कुछ बोलना है तो आपकी बात सुनी जाएगी. और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप जिस चीज़ के लिए वो एक्शन करना चाह रहे थे उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी, आप उस चीज़ को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. एक्शन लेना ही मैनिफेस्टेशन है. आपने एक्शन लिया, आप मैनिफेस्टेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़े, भले ही उस एक्शन को लेने के बाद आप फेल हुए, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़े. तो अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, भले हमें निराशा होती है लेकिन हमने उस चीज़ से कुछ सीखा, हम अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़े. तो एक्शन इज़ इक्वल टू मैनिफेस्टेशन. थैंक यू.